रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही कोर्ट ड्रामा चलने वाला है। अब हीरा अपनी दादी सा यानी कावेरी पोद्दार के खिलाफ केस लड़ रही है और अरमान बीते एपिसोड में अब हीरा पर केस से जुड़े पेपर्स चुराने का आरोप लगा देता है, जिस वजह से दोनों के बीच भयंकर बहस होती है। इस मौके पर अब हीरा अरमान का कमरा छोड़ने का फैसला ले लेता है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब हीरा अरमान का कमरा छोड़कर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन उसे बार बार अरमान की याद आती है। दूसरी तरफ अरमान भी अब हीरा को याद करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रूही अरमान के कमरे में आती है और फिर वह उसे अभीरा के पास भेज देता है और रूही ऐसा ही करती है। अभीरा हनुमान चालीसा समेत सारे मंत्र गाती है। हालांकि रूही को देखने के बाद अभीरा साफ बोलती है, तुम्हें यहाँ अरमान ने भेजा है और तुम भी उसके कहने पर आई हो। तुम खुद अपनी लाइफ के फैसले कब लोगी, कब तक लोगों के कहने पर चलोगी। शो में आगे दिखाया जाएगा कि दादी सा भी अभीरा के कमरे में पहुंच जाती है। फिर वह बोलती है, अभीरा को उसकी माँ ने परिवार के साथ रहना सिखाया नहीं है, यहाँ से चलो रूही। ये बातें अभीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर ले जाता है और वह बाहर खड़े होकर अरमान के मुँह पर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन स्वर्णा रूही को फोन करके बोलती है कि मानव चला गया। इतना ही नहीं वह रूही को बोलती है, सच बता क्या तुम अभी भी अरमान से प्यार करती हो। इसका जवाब रूही नहीं दे पाती। दूसरी तरफ अभीरा अपने बॉस को अपना सच बता देती है। वह बताती है कि वह अरमान पोद्दार की पत्नी है, लेकिन वह ये केस पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अरमान और दादी सा घर से निकल रहे होते हैं और तभी वहाँ रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और कावेरी पोद्दार के उन पेपर्स पर सवाल पूछते हैं जिसमें वह जमीन पाने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहती है। इस मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और तभी वहाँ पर अभीरा भी बाहर आती है। अभीरा को देखते ही अरमान फट जाता है और बोलता है, तुम चोर हो, तुम्हारे अंदर ईमानदारी नाम की चीज नहीं है, तुमने मेरे कमरे से पेपर्स चुरा कर अपने बॉस को दे दिए।